दोस्तों अभी हम आए हैं यूनिवर्सिटी में। आपको पीछे नज़ारा दिख रहा होगा, यूनिवर्सिटी का नज़ारा आपको दिख रहा होगा। मैं चाहूँगा कि इधर भी दिखाना चाहे, इधर भी आपको पूरा यूनिवर्सिटी दिख रहा है। और मेरे साथ अभी छात्र नेता, जो कि आप लोगों को परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, कुणाल जी हैं। और क्या माजरा अभी कुणाल जी के साथ हो रहा है छात्रों को लेकर के, कुणाल जी ही सबसे पहले हम कुणाल जी का स्वागत करते हैं, उसके बाद फिर क्या इनके साथ अभी घटित हुआ है, इन पर अभी FIR हुआ है तो क्या मैटर है, किस मैटर पर FIR हुआ है, वो सारी बात आपको हम इस वीडियो में आपको हम बताने वाले। सबसे पहले आपको हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद भाई। एक बार फिर से छात्रों के लिए अपना परिचय दे दीजिएगा। जी, मेरा नाम कुणाल पांडे है, विश्वविद्यालय अध्यक्ष हूँ जन अधिकार छात्र परिषद का, और पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ मारवाड़ी महाविद्यालय का। क्या बात हुआ कि आपके ऊपर FIR तक अब हो गया है, क्या ऐसा हो गया, आप ऐसा क्या कर दिए, या फिर क्या गलत फहमी है कि आपके ऊपर FIR हो गया? देखिए, समस्या ये है ना कि जो आज आवाज़ उठाता है उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, चाहे सरकार के द्वारा हो या विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा हो। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा लगातार छात्र के मुद्दों को लेकर मैं लड़ रहा हूँ विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ़। विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार छात्र को अनदेखा करके अपनी मनमानी और पैसा उगाही का काम कर रहे हैं, जिसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं। चाहे UG का एडमिशन हो, UG का रिजल्ट हो, UG का जितना मामला रहा हो, पीछे पूर्व में लंबित मामला हो, जितना भी हो, उसके बाद PG का भी, और फिलहाल कुछ दिन पहले हम लोग ने PAT का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसका रिजल्ट निकला था PhD एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के लिए, उसमें मतलब इतना धांधली हुआ है जिसका कोई आपको ये नहीं लगाया जा सकता अंदाज़ा। जो पैसा दिया है उन सब का नामांकन ले लिया गया है, बाद बाकी जो मेरिट वेस्ट स्टूडेंट हैं उन सब का कोई मेरिट नहीं निकला है। हम लोगों ने मुद्दा उठाया इसलिए चूँकि जितने भी छात्र थे उनको 3 रंग का उनका मेरिट लिस्ट बन के आया, किसी का एक बार 73 था, एक बार 72 था, एक बार 82 था, ऐसा धांधली होता है यहाँ। एक छात्र का 3 मेरिट कैसे निकल सकता है, 3 मेरिट लिस्ट में 3 तरह का नंबर कैसे आ सकता है एक मेरिट लिस्ट में। इस सब मुद्दाओं को लेकर जब मैं लड़ रहा था, इसको लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष हम लोगों ने बात रखने की कोशिश की, तो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित दलाल और विश्वविद्यालय के VC के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा हम लोगों पे जबरन हमला किया गया, हम लोग को जान से मारने की कोशिश की गई, जिसके विरोध हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया। आंदोलन करके हम लोग यहाँ बैठे, जिसमें DSP भी आए थे। लगभग 3 मई को हम लोग का यह आंदोलन हुआ था, DSP आए थे, हम लोग के समक्ष बात रखी, बातों को मनवाया गया, बातों जो हमारा बात होता है BC रजिस्ट्रार से, सारी बात पे सहमति बनी कि नहीं, हम रिजल्ट को सुधार करेंगे और अच्छे से देंगे, कोई इसमें पूरे पारदर्शिता के साथ देंगे। मेरा पूर्व में वीडियो भी आप देखे होंगे। किंतु इन सब बातों को दरकिनार करते हुए रजिस्ट्रार और VC अपनी मनमानी करते हुए और सीधे तौर पे कथित दलालों के द्वारा उनको भड़काए जाने के बाद हम लोगों पर FIR किया गया। कितने छात्रों पे FIR किया गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे छात्र सम्मिलित थे, और मुझे भी जहाँ तक लगता है कि 8-10 छात्रों पे FIR हुआ था। आप उसमें भी एक हैं, तो आपको बहुत अच्छा से पता होगा कितने छात्रों पे FIR हुआ है। करीबन टोटल आपको 10 नामजद छात्रों पे FIR हुआ है, जिसमें मेरा नाम भी है, और 40 से 45 अज्ञात बनाकर आपको FIR किया गया है लगभग सभी के नाम से। छात्र नेता कुणाल पांडे, अब आगे क्या करेंगे? आगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हम डरने वाले नहीं हैं इनके FIR से या इनके। अभी हमसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, स्पष्टीकरण में उन्होंने 8 मनगढ़ंत तथ्य दे दिए थे कि आपने ग्रिल तोड़ा, आपने आज तक कभी भी आंदोलन का, आप लोग हमारा वीडियो देखेंगे, आज तक हम कभी भी गाली गलौज कभी नहीं किए हैं। इन्होंने आरोप लगाया कि आप गाली गलौज किए, बहुत तरह की मुद्दाओं को लेकर आरोप लगाया, जिसका हम लोगों ने स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं, हम स्पष्टीकरण भी इसका किए हुए हैं, भेज दिए हैं। आपके हम स्क्रीन पे भी आपको हम दिखा देंगे, या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी आपको भी स्पष्टीकरण आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। हमने स्पष्टीकरण दे दिया है, उन्होंने धमकी दिया था कि स्पष्ट करिए कि आप क्या करने गए थे विश्वविद्यालय और क्यों गए थे, आपका PAT से कोई मामला नहीं है, कोई संबंधित मामला नहीं है। किंतु शायद विश्वविद्यालय और छात्र हित को मुद्दा को समझेंगे अगर VC या रजिस्ट्रार, तब उनको पता चलेगा कि हम छात्र संघ के नेता रहे हैं और अभी भी वर्तमान में विश्वविद्यालय अध्यक्ष हैं अपने छात्र स्टूडेंट यूनियन के। तो इनको ये चीज़ नहीं ज्ञात है कि छात्र का कोई भी मुद्दा होता है तो उसमें हम जा सकते हैं और हमारा संवैधानिक अधिकार है, और इसको लेकर के हम गए थे। छात्र को कहीं भी समस्या होती है तो हम उसकी आवाज़ उठाने का हमको हक है, हमको संवैधानिक अधिकार है,
इस चीज़ को वो VC हमारे नहीं समझते हैं, इसीलिए उन्होंने मनगढ़ंत FIR किया है हम पे। अब क्या छात्र नेता कुणाल पांडे छात्रों के बीच ही रहेंगे या फिर छात्रों से दरकिनार करेंगे? नहीं, दरकिनार तो नहीं करने वाले हैं, आप लोग के साथ ही रहेंगे, आप लोग का साथ मिलता रहे ऐसे ही। कभी भी इस रजिस्ट्रार और VC से डरने वाले हैं नहीं, जो गलत करेगा उसके खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। छात्र हमेशा साथ दें, यही हमारी आप लोग से मंशा है, और एक साथ मिल के किसी भी लड़ाई लड़ेंगे। कोई भी गलत हम लोग विश्वविद्यालय में नहीं होने देंगे। दो तीन बात और मैं कहना चाहता हूँ, अगर हो सके, अगर विवेक जी अगर मिलते हैं तो नए शिक्षा नीति को लेकर जिस तरह से विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई होगी, उस विषय में एक बार मैं चाहूँगा आप बात करें हमसे, इसको रखा जाए आगे तक, ताकि इस चीज़ को समझा जाए कि कितना इससे घाटा है छात्रों को। बहुत ही जल्दी आपको जो 4 वर्षीय आपको जो कोर्स आपको जारी किया गया है विश्वविद्यालय की तरफ से, और सारे विश्वविद्यालय का जो फी है, उस सारे मैटर पे आपको हम अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा और आपका क्या विचार है छात्र नेता कुणाल पांडे को लेकर के, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छा से समझ चुके होंगे और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।